नमस्कार, जीएनआई न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल यादव। बरेली फतेहगंज पश्चिमी नगर के सभासद ने बढ़ती हुई ठंड से जूझ रहे गरीबों के लिए बने मसीहा। वार्ड नंबर 12 के सभासद महेंद्र पाल शर्मा के साथ चेयरमैन प्रत्याशी पति ने बढ़ती ठंड को देखते हुए अपने आवास पर लगभग 300 रजाई का वितरण किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी 119 मीरगंज विधानसभा के हाजी गुड्डू, मीरगंज विधानसभा अध्यक्ष सुरेश गंगवार, चेयरमैन प्रत्याशी इमरान बेगम, सभासद जाकिर हुसैन, तस्लीम अंसारी, धर्मपाल, बाबूराम, वेदराम ने मिलकर वार्ड नंबर 12 से सैकड़ों की तादाद में आए पुरुष और महिलाओं को रजाइयां वितरण की। रजाई पाकर सभी के चेहरे खिल उठे। सभासद की सराहनीय कार्य से कस्बे में चारों ओर चर्चा का विषय बन गया है। आइए देखते हैं बरेली से ब्यूरो चीफ गौरव पांडे की खास रिपोर्ट। आज वार्ड नंबर 12 महेंद्र शर्मा जी का ये वार्ड है, इसमें हमारे फायर भाई कल्लू के सहयोग से, दोनों के लोगों के सहयोग से यहाँ पर ज़्यादा 200 लाखों का कम्बल का वितरण किया जा रहा है। यदि कोई और भी रह जाता है तो उसके लिए दोबारा ही इंतजाम किया जाएगा और वितरण किया जाएगा। हम बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं लोगों के लिए, इन्होंने इन गरीब लोगों के लिए कम्बल वितरण करने का और इस लिहाज में देने का काम किया। हम इनके लिए हम हमेशा धन्यवाद देंगे कि जनता के साथ है, गरीबों के साथ है, गरीब इनके साथ हमेशा रहेगा। कल्लू भाई हमेशा अच्छा काम करते हैं, गरीबों के लिए कुछ ना कुछ देते रहते हैं, उनके लिए बहुत सराहना काम है। पार्टी उनके लिए हमेशा मदद करने का काम करे। कार्यक्रम को आपने कस्बे के कितने वार्डों में अब तक रजाई वितरण की जा चुकी है? एक हज़ार रजाइयाँ मैंने अपने बाद में गरीबों को बांटी थी और 200 रजाइयाँ, 100 रजाइयाँ जाकर भाई के बाद में मैंने गरीबों को बांटी। पूरी नगर पंचायत बांटे तो नगर पंचायत में 15 वार्ड हैं। क्या आपका रजाई वितरण कार्यक्रम 15 वार्डों में चलेगा या कुछ ही वार्डों में चल कर रहेगा? 15 वार्डों में क्या, पूरे फतेहगंज में ही चल जाएगा, पूरे फतेहगंज पश्चिमी चल जाएगा। टोटल आपकी रजाई बांटने की कितनी आपने योजना बनाई है? 1500 नगर के लिए, 1500-2000 फतेहगंज पश्चिमी के लिए, पूरे नगर के लिए 1500 की योजना बनाई है गरीब लोगों को देने के लिए। रजाई वितरण का कार्यक्रम एक सभासद की, इधर देखो, क्या करना चाहते हैं? आज फतेहगंज पश्चिमी नगर के अंदर जो हमारे सभासद हैं शाहिद हुसैन साहब, इनके द्वारा गरीब असहाय लोगों के लिए सर्दी और ठंड के प्रकोप से बचाव के लिए जो रजाई और कंबल का वितरण किया गया है, ये सामाजिक तौर पर बहुत ही सराहनीय है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि समाज सेवी, सभासद, जनप्रतिनिधि, इन लोगों की ही जिम्मेदारी दायित्व बनता है कि जनता से जुड़े रहने के कारण कि समय समय पर जब ऐसे मौके आए तो इन लोगों को आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। उसी क्रम में आज शाहिद भाई ने फतेहगंज नगर के अंदर असहाय लोगों को कंबल वितरण करके सराहनीय काम किया। इसकी भी प्रशंसा।